चुका है? नहीं। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और अभी हम जा रहे थे इम्तियाज, तो वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं? चलें, टाइम काफ़ी हो गया। वैसे भी अभी हम काफ़ी हमें टाइम एक दो घंटे लग जाने हैं, तो वापस आके इंशाल्लाह मिल गया। तो यहाँ पे जी हमने अपनी बाइक पार्क कर दी और यहाँ से भी हम एंटर होंगे इम्तियाज मॉल में।
जी हम लोग घर पहुंच गए हैं साथ तकरीबन ग्रोसरी हो गई है, लेकिन काफ़ी चीज़ें रह गई हैं तो वो मैं कल लेके आऊँगी या परसों जैसे मुझे टाइम मिलेगा। और सारी ग्रोसरी करने के बाद जो है ना एल्सा का फूड रह गया था जो मेन चीज़ थी जो मैं लेने गई थी, तो फिर मैं दोबारा वापस गई और एल्सा का फूड लेके आई हूँ। तो इम्तियाज़ मॉल गए हुए थे, उसकी सारी जो जितना क्लिप्स हम शूट कर पाई हूँ मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। जो जो इम्तियाज़ जाते हैं उनको तो पता होगा क्योंकि वहाँ पर जो है वीडियो अलाउ नहीं है, मोबाइल यूज़ ही नहीं करने देते, लेकिन खैर फिर भी मैंने आप लोगों के लिए जो है ना कुछ थोड़ा सा क्लिप शूट कर ली है और मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। बहुत ही अच्छी प्लेस है, वहाँ पे सब कुछ जो आप लेना चाहते हो वहाँ पे आपको एक ही जगह पे मिल जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो आपको गेम्स का सामान हो बच्चों के लिए, और या फिर क्रॉकरी हो, या फिर आपके लिए ग्रॉसरी हो, मतलब सारा जो घर का सामान होता है वो, फ्रूट्स वगैरह, ईच एंड एवरी थिंग, चाहे आपको ड्रेसेस, शूज़, ज्वेलरी। तो हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, तो आप लोग भी जब आएँ तो इम्तियाज़ जाएँ और देखें कि वहाँ पे कैसा आपको लगता है। सारा सामान लेने के बाद जो है ना मेन चीज़ जो मैं लेने के लिए गई थी ना, ये एल्सा का फूड, ये मैं भूल गई और फिर दोबारा वापस गई हूँ, फिर ये लेके आई हूँ 2 पैकेट्स एल्सा के लिए। हमारी एल्सा का फेवरेट काम ये है कि जब हम कोई पैकेट या कोई शॉपर वगैरह या बैग वगैरह आता है ना, तो उसके अंदर घुस के पहले देखना होता है कि इसमें क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले तो एल्सा को चेक करवाएं और उसके बाद फिर जो है ना वो बाकी चीज़ें आप निकालनी होती हैं आपने। तो इसमें है राइस, एल्सा इसमें राइस है, जानी जान इसमें राइस है मेरी बेबी, इसमें राइस है। अभी काफ़ी सारी चीज़ें जो रह गई हैं, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मतलब कल या परसों लेके आऊँगी बाकी सामान। और ये जी रशियन सैलड है, नीचे मिक्स सैलड और ऊपर मैक्रोनीज, ये भी मैं इम्तियाज़ से लेके आई हूँ। सबसे पहले तो मैं ये खाने लगी और उसके बाद मैं चीज़ें समेटूँगी। बच्चे जो हैं उन्होंने बोला कि अभी दिल नहीं खाने का, सो वो खेलने चले गए और मैं ये खाऊँगी और मेरे साथ खाएगी एल्सा। एल्सा बेबी आज आज मिले चौथ खाए जी, बहुत ही टेस्टी मैक्रोनीज और साथ में माई फेवरेट, माई मोस्ट फेवरेट स्प्राइट मिंट और साथ में The next day। और जी ये है शकरकंदी, मैं इम्तियाज़ से लेके आई थी और अभी मैं इसको बनाऊंगी, स्टीम करूंगी इसको। मुझे तो इस तरह से बहुत पसंद है, बच्चों को भी माशाल्लाह वो भी खुश होके खाते हैं। आप लोग इस तरह ट्राई करिएगा और बताइए कि आप लोगों को ये आइडिया अच्छा लगा या नहीं। चलो तो इसको भी मैं वॉश कर लेती हूँ, वॉश करके इसको फिर कट करके तो मैं इसको स्टीम के लिए रखती हूँ। शकरकंदी को काट लिया है और इसको मैंने ये कढ़ाई में रख दिया है। अब इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून जो हैं वो मैं ऑयल के डालूंगी और उसको दम पे लगा दूंगी बस। ना इसमें कोई साल्ट मैंने डाला, कोई कुछ भी नहीं, और ये माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनेगी, मीठी मीठी सी। चलो मैं इसमें ऑयल ऐड कर लेती हूँ। अभी ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है और अब बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको मैं लगाऊँगी और बिल्कुल लो, इसको मैं और लो कर लेती हूँ। इसको दम पे लगाना है, स्टीम पे करना है इसको। अच्छा जी, तो ये अब इसको मैं दम पे लगाती हूँ और फिर इंशाल्लाह इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट्स के बाद मैं इसको खोलूँगी और फिर देखते हैं कि ये कैसी बनती है। जितनी देर में शकरकंदी रेडी होती है मैं बच्चों के लिए फ्रूट सैलड बनाने लगी हूँ ताकि ये थोड़ा सा खाएँ, उसके बाद शकरकंदी और साथ ही मैं फिर जो है हांडी ऊपर रख लूँगी और वो मैं आज बनाऊँगी कोफ्ते। Oh, oh, oh.
अच्छा, तो ये एक पीस जो है इसका मैंने छिलका उतार के इसको काट लिया, अब इसमें साल्ट वो सॉरी चाट मसाला डालूंगी और खा लूँगी। और बच्चे कह रहे हैं कि अभी तक नहीं खाना, सो मैं बाकियों को नहीं करूँगी, तो ये थोड़ी देर बाद हम खाएंगे। बिल्कुल ऐसा मज़े का टेस्ट है मीठा, जैसे कि हम बाज़ार में शक्करकंदी चाट खाते हैं, इसी तरह बिल्कुल ऐसे ही सेम टेस्ट आया मीठा, और आलूओं की तरह बिल्कुल नरम है, सॉफ्ट, देखें ऐसे, बहुत टेस्टी है माशाल्लाह से। आप लोग भी ट्राई करें। और दूसरा, अगर किसी ने, जो लोग ऐसे बनाते हैं वो भी कमेंट्स में मुझे बताएं, और जिन्होंने नहीं अब तक बनाई वो भी ट्राई करें। और मैंने यहाँ पे डाला है चाट मसाला थोड़ा सा, और यहाँ पे मैं शक्करकंदी का पीस लेके ऐसे लगा के ऐसे खा रही हूँ, और माशाल्लाह इतना मज़े का लग रहा है ना ये। यम, ट्राई करें और शेयर करें मेरे साथ आप लोगों को कैसा लगा। ज़बरदस्त। अच्छा, जब मैं लेके आई हूँ ना, तो अदन विराल ने बोला है मामा अभी हमने नहीं खाना, ठीक है। अब जब मैंने एक खाया तो इतना मज़े का लगा है, मैं वीडियो में बता रही थी कि मसाले के साथ इतना अच्छा लग रहा है, और अब ये कह रही है कि मामा हमें भी काट के दें। एक पीस इनको दिया है, और इसके नीचे ये जो ऐसे थोड़ा थोड़ा सख्त सा हो जाता है ना, रेड रेड सा, वो क्योंकि नीचे स्टीम किया हुआ है, तो वो इसका जो ये वाला पार्ट होता है, ये बहुत मज़े का लगता है। ये वाला खा के ट्राई करिएगा कि कैसा है। चलें, तो अब मैं सब जो है इनको छीन लेती हूँ और बच्चों को देती हूँ। मज़े के बाद एल्सा को भी इतना पसंद है, एल्सा को मैंने दिया और माशाल्लाह उसने पूरा पीस खा लिया और अभी वो कह रही है कि मुझे और चाहिए। मैंगो शेक, वेलकम। और कमेंट्स में बताइएगा वीडियो कैसी लगी, होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।